हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज 7 दिसंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन जान लेते हैं कि क्या होगा। निम्न में से कौन सी कंपनी कोरोना वैक्सीन के लिए भारत के DCGI से इमरजेंसी अप्रूवल मांगने वाली पहली फर्म बन गई है। DCGI से इमरजेंसी अप्रूवल मांगने वाली पहली जो कंपनी बनी है, इस कंपनी का नाम है फाइजर कंपनी। यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। फाइजर कंपनी इसका बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा। फाइजर कंपनी जो है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है अमेरिका के अंदर। स्थापना 1849 में हुई है और सीईओ का नाम अल्बर्ट बोरुला है। ठीक है, हाल ही में जो है अभी रिसेंटली यूके और बहरीन में फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही फाइजर कोरोना वैक्सीन के लिए भारत में कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग DCGI के नाम से पुकारते हैं, इसे इमरजेंसी अप्रूवल मांगने वाली पहली फर्म बनी है। फाइजर ने वैक्सीन की भारत में बिक्री और वितरण को लेकर अनुमति मांगी है अभी रिसेंटली। और जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उनका नाम है VG सोमानी, ये बात भी आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अदार पुनावाला को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अदार पुनावाला को एशियन ऑफ द ईयर, ठीक है, एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अदार पुनावाला को COVID-19 से लड़ने में अहम भूमिका निभाने के लिए सिंगापुर के समाचार पत्र स्ट्रेट्स टाइम द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडन कंपनी जो है उनके साथ मिलकर COVID-19 के टीके कोविशील्ड को विकसित करने के लिए फिलहाल काम भी कर रही है। इनमें से किस कंपनी ने अपनी ऑस्ट्रेलियाई कॉफी कंपनी MAP कॉफी को बुचारी ग्रुप को बेच दिया है। तो MAP कॉफी को बुचारी ग्रुप को बेच दिया है और इस का जो नाम क्या है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने हाल ही में $1.25 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर को डॉलर करीब 6.74 करोड़ रुपए बने ये। इसमें अपनी कंपनी जो है ऑस्ट्रेलिया कंपनी मैप कॉफी को बुचारी ग्रुप को बेच दिया है। इस कॉफी कंपनी की स्थापना 2002 में हुई थी और इस कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया के कैफे, रेस्टोरेंट और बार को इटली और स्थानीय स्तर पर रोस्टेड कॉफी रेंज की आपूर्ति करवाया करता था ये, लेकिन अब जो है बेच दिया गया, तो याद रखना आप लोग इसे। निम्न में से किस पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उत्तम कुमार रेड्डी जो है ये तेलंगाना कांग्रेस पार्टी कमेटी के अध्यक्ष हैं, ठीक है, और इन्होंने जो है रिसेंटली इस्तीफा दे दिया। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हैदराबाद नगर निगम चुनाव परिणाम में जो है अभी 53 OBC और 42 और BJP की 53 सीटें मिली थी और इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तेलंगाना की बात करता हूं तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, के चंद्रशेखर राव यहां के मुख्यमंत्री है। 2 दिसंबर 2020 को किस देश ने अपने देश में जलवायु आपातकाल की घोषणा की। जलवायु आपातकाल यानी कि क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा की न्यूजीलैंड ने। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 2 दिसंबर 2020 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिडा आर्डन ने देश में जलवायु आपातकाल की घोषित करने के लिए कहा गया और उसका सार्वजनिक क्षेत्र से 2025 तक कार्बन तटस्थ न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कार्बन उत्सर्जन जो है न्यूट्रल करने के लिए ही, और अंतर सरकारी पैनल के जलवायु परिवर्तन के निष्कर्षों के बाद में जो है ये घोषणा की गई। और बात करता हूं न्यूजीलैंड की, तो कैपिटल क्या है, वेलिंगटन है। प्रधानमंत्री का नाम जेसिडा आर्डन है। पॉपुलेशन 48.9 लाख है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस लेफ्टिनेंट जनरल को सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो इनका नाम भाई आपका है लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत सरकार ने हाल ही में उप सेना प्रमुख जो है इनके पद के निर्माण की मंजूरी दी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को सेना के पहले उप प्रमुख का रूप में जो है इन्हें नियुक्त किया गया है, परमवीर सिंह को। नीति आयोग के द्वारा जारी अक्टूबर 2020 महीने की आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में किस राज्य के ममित जिले ने पहला स्थान हासिल किया है। तो किस राज्य के ममित जिले ने, ये जिला है मिजोरम का, और मिजोरम का जिला है, सी ऑप्शन सही है, मिजोरम के इस जिले ने जो है
पहला स्थान हासिल किया अक्टूबर 2020 महीने की आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में। मिजोरम के बाद बिहार के बांका और ओडिशा के ढेकनाल जिले को स्थान मिला था। मिजोरम की कैपिटल आइजोल है। मिजोरम के गवर्नर पी एस श्रीधरन पिल्लई है। मुख्यमंत्री का नाम जोरमथंगा है। पॉपुलेशन 11.2 लाख है। अमेरिकी सदन ने महात्मा गांधी और किसकी विरासतों को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पारित किया है। तो अमेरिकी सदन ने महात्मा गांधी और के साथ में मार्टिन लूथर किंग जो है इनकी विरासतों को बढ़ावा देने के लिए एक जो है विधेयक पारित किया है। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक विनियम पहल पर जो समझौता हुआ है जिसके तहत महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग की विरासत को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च की जाएगी, अध्ययन किया जाएगा। हाल ही में निर्मित मेजर हार्ट पुल जिसका नाम बदलकर जय हिंद पुल किया गया, हाल ही में किस राज्य में जो है इस पुल का नाम बदला गया है? तो ये पुल जो है पर्टिकुलर पश्चिम बंगाल का है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में नव निर्मित मेजर हार्ट पुल को जय हिंद का नाम दिया गया। नया पुल एक पुराने के स्थान पर ही बनाया गया है जो सितंबर 2018 में ढह गया था और 650 मीटर लंबा पुल है। कोलकाता के मध्य भाग को बोहला के दक्षिण भाग उपनगर को आपस में जो है ये जोड़ता है, ये पुल जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है जो कि हुगली नदी के किनारे है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। पॉपुलेशन 9.03 करोड़ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। Who has been appointed as the first vice president of World Liquefied Petroleum Gas Association? तो इसके पहले जो है पहले उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो पहले उपाध्यक्ष चुना गया है, इनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीकांत माधव वैद्य जो है ये भारत की सबसे बड़ी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL के भी अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। दुनिया भर में LPG के उपयोग के लिए जो है ये संस्था काम किया करती है जिसकी स्थापना 1987 को हुई थी। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।